नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं नितिन कुमार एज यूजल आपके सामने उपस्थित हूँ आज के द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। देखो, इसके अंदर जो टॉपिक है वो ये है, अनवाइज प्रपोजल ऑन इलेक्शन कमीशन सिकिंग कंटेंप्ट पावर, यानी कि गैर बुद्धिमानीपूर्ण जो प्रस्ताव है किस चीज़ के ऊपर, कि जब इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग ने ये चाहा कि उसे अवमानना की शक्ति मिल जाए। देखिए, इसमें कहा जा रहा है द इलेक्शन कमीशन प्रपोजल सीकिंग कंटेम्प्ट पावर फॉर इटसेल्फ इज अलार्मिंग। तो कहा यह जा रहा है कि देखें, द इलेक्शन कमीशन प्रपोजल कमीशन्स प्रपोजल सीकिंग कंटेम्प्ट पावर फॉर इटसेल्फ इज अलार्मिंग। तो इलेक्शन कमीशन का जो ये प्रस्ताव है जिसमें इनकी कोशिश है या इच्छा है कि उनको अवमानना की शक्ति मिल जाए, ये अपने आप में सतर्क करने वाली चीज़ है। फिर आगे देखिए, कहा जा रहा है कि परमानेंट लॉ कैन नॉट बी मेड इन रिस्पॉन्स टू द ट्रांजिएंट ट्रेंड्स, यानी कि एक जो अस्थाई कानून है वो नहीं बनाया जा सकता एक बदलने वाले रुझान के लिए, स्पेशली टू क्रिएट ए पावर दैट इज़ ओपन टू अब्यूज़, खास करके उस पावर के लिए जो कि बिल्कुल ओपन है व्यूज़ के लिए, यानी कि जिसका कि क्या किया जा सकता है, दुरुपयोग किया जा सकता है, खास करके ऐसी शक्ति को सृजित करने की बात की जा रही है जिसका कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज प्रपोजल टू द लॉ मिनिस्ट्री दैट इट बी आर्म विद द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट इज एन अनवारंटेड एंड पुअरली थॉट आउट रिस्पॉन्स टू सम एक्सटेंडेड एक्यूजेशन ऑफ द पार्टीजन फंक्शनिंग मेनली फॉर द पोलिटिकल पार्टीज दैट हैज लॉस्ट इन द इलेक्टोरल एरिना। अब देखिए, इसमें समझे, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोजल टू द लॉ मिनिस्ट्री, जो चुनाव आयोग का जो प्रस्ताव है कानून मंत्रालय को, दैट इट बी आर्म विद द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, कि इसको सशक्तिकृत किया जाए उस शक्ति से जिससे कि वो अवमानना के लिए क्या कर सके, सजा दे सके, इज़ एन अनवायलेंट एंड पुअरली थॉट आउट। ये क्या है, बिल्कुल गैर जरूरी है और बहुत ही मतलब सही ढंग से इसको सोचा नहीं गया है। आउट रिस्पॉन्स टू सम एक्सटेंडेंट एक्विजिशन ऑफ द पार्टीज एंड फंक्शनिंग, ठीक है, पोअरली थॉट आउट रिस्पॉन्स, ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे ढंग से सोचा नहीं गया है इस जवाबदेही के ऊपर कि टू सम एक्सटेंडेंट एक्विजिशन ऑफ पार्टीज एंड फंक्शनिंग, की कुछ जो कठोर या तीक्ष्ण आलोचना की गई है कि भाई पक्षपातपूर्ण काम कर रहा है कौन, चुनाव आयोग, many from the political parties that have lost in the electoral arena, कि खास करके कुछ जो राजनीतिक पार्टियां जो है जो कि अपनी राजनीतिक लड़ाई जो है या अब चुनावी लड़ाई जो है चुनावी क्षेत्र में वो हार चुकी है। तो इस पूरे बात को समझे कि जब चुनाव आयोग ने ये प्रस्ताव दिया किसको, कानून मंत्रालय को, कि उसको सुसज्जित किया जाए ऐसी शक्तियों से जिससे कि वो अवमानना के लिए क्या कर सके, दंड दे सके, तो वो अपने आप में गैर जरूरी है, ठीक है, और इसका जो रिस्पांस होगा, इसका जो परिणाम होगा, उसके बारे में अच्छे ढंग से नहीं सोचा गया है। टू सम एक्सटेंडेड एक्विजिशन ऑफ द पार्टीज एंड फंक्शनिंग, खास करके जब जब कठोर और तीक्ष्ण आलोचना की गई कि पक्षपातपूर्ण रूप से काम कर रहा है, मेनली फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके राजनीतिक दलों के द्वारा जिसने की चुनाव चुनाव के क्षेत्र में जिनको की हार मिली। अब देखो, जो नेक्स्ट कहा जा रहा है आपको, ठीक है, वो देखें, वेस्टेड इन द ज्यूडिशरी हैज़ कम अंडर द क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि यहाँ तक की जो शक्ति निहित की गई है किसमें, न्यायपालिका में, इसको भी प्रश्नगत किया जा रहा है। विथ मेनी वॉन्डरिंग वेदर दिस रेलिक ऑफ द बायगॉन एरा शुड बी रिटेन,
और बहुत लोग तो इस चीज़ से मतलब सोच रहे हैं, आशंकित हैं कि क्या ये जो बीते हुए युग का जो अवशेष है, जो बचा कुचा हिस्सा है, उसको बना के रखना चाहिए। इवन सुपीरियर कोर्ट्स इम्पावर टू एक्ट अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1917 आर ऑफन एडवाइज टू यूज इट ओनली स्पैरिंगली। तो इसमें अब इस सेंटेंस के अंदर देखें कि इवन द सुपीरियर कोर्ट्स, यहाँ तक कि जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय हैं, ठीक है, इम्पावर टू एक्ट अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसको सशक्तिकृत किया गया है कि वो कार्य करे, किसके अंदर न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत, आर ऑफन एडवाइज टू यूज इट ओनली स्पैरिंगली, उनको अधिकतर ये सलाह दी जाती है कि इसका प्रयोग वो क्या करें, स्पैरिंगली करें, यानी कि कभी कभार किया जाए इसका प्रयोग तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि में, बैकड्रॉप कहने का मतलब जो पीछे चल रहा है, फॉर ए मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो बहुत सदस्यीय जो चुनाव आयोग है, विच इंजॉयज़ अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास है, एंड ए रेपुटेशन फॉर इम्पार्शलिटी, और जिसकी ख्याति इस चीज़ के लिए है कि वो तटस्थ रहते हैं, पक्षपातपूर्ण नहीं होते हैं, टू आस्क दैट इट बी क्लोथ विद द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू पनिश बोथ सिविल एंड criminal contempt is a travesty of our open and democratic system. तो इसके अंदर देखें कि कहा जा रहा है कि इस पृष्ठभूमि में देखा जाए कि बहुत सदस्यीय जो चुनाव आयोग है, जिनके ऊपर लोगों का अत्यधिक विश्वास है और जिनकी ख्याति इस रूप में है कि वो तटस्थ रहते हैं, तो आस्क दैट इट इज़ क्लोथ विद द पावर ऑफ ए हाई कोर्ट टू पनिश सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और ये कहना कि उनको सुसज्जित किया जाए ऐसी शक्तियों से जो कि उच्च न्यायालय के पास है, और वो शक्ति क्या है कि सिविल या, ठीक है, यानी कि सिविल या क्रिमिनल कंटेम्प्ट में, यानी कि दीवानी एवं फौजदारी जो अवमानना है उसमें क्या कर सके, वो सजा दे सके, इज अ ट्रैवेस्टी ऑफ आवर ओपन एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये कहीं ना कहीं हमारे खुले और लोकतांत्रिक क्या सिस्टम का हिस्सा है। सिविल कंटेम्प्ट पर्टेंस टू विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स एंड गिविंग द ECI पावर्स टू इन्फोर्स इट्स ऑर्डर मे बी वर्थ डिबेटिंग। कहा जा रहा है कि जो दीवानी अवमानना का जो संबंध है वो विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर से, जिसमें कि लोग जानबूझकर अवज्ञा करते हैं न्यायालय के फैसले को, एंड गिविंग द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द पावर टू इन्फोर्स इट्स ऑर्डर, और जो भारत का जो चुनाव आयोग है उसको ऐसी शक्ति से निहित करना या उनको दे देना, ठीक है, जिससे कि इट्स ऑर्डर इन्फोर्स इट ऑर्डर, जिससे कि वो अपने आदेश को क्या कर सके, लागू करवा सके, मनवा सके, मे बी एन आइडिया वर्थ डिबेटिंग। हो सकता है कि ये एक ऐसा आइडिया है जिसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, बहस करने की ज़रूरत है। However, it will be very harmful to free speech and fair criticism. लेकिन फिर भी ये क्या होगा कि it will be very harmful to free speech and fair criticism. फिर भी ये बहुत ही हानिकारक होगा स्वतंत्र अभिव्यक्ति और जो तटस्थ रूप से आलोचना के लिए। इफ़ द ECI इज़ गिवन द पावर टू पनिश द क्रिमिनल कंटेम्प्ट, यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये शक्ति दे दिया जाए कि वो सजा दे, ठीक है, आपराधिक अवमानना के मामले में, ऑन द ग्राउंड्स दैट समथिंग हैड स्कैंडलाइज, ठीक है, इस आधार पर कि किसी चीज़ ने उनके लिए बदनामी की है, और इट टेंडेड टू लोअर इट्स अथॉरिटी, या ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके अथॉरिटी को क्या करें, इनकी जो शक्ति है, खास करके कोई आदेश देने की शक्ति जो है उसको कम करने के लिए, अ वेग एंड सब्जेक्टिव प्रोविजन दैट शुड हैव नो प्लेस इन कंटेम्प्ट लॉ। तो कहा जा रहा है कि
ऐसा जो कि अस्पष्ट हो, जो कि अस्पष्ट ना हो, और सब्जेक्टिव प्रोविजन। सब्जेक्टिव प्रोविजन ऐसे प्रावधानों को कहते हैं जिसकी व्याख्या अलग अलग लोगों के द्वारा अपने अपने मतानुसार की जाती है, अपने मत के अनुसार की जाती है। तो इस चीज़ को समझें फिर से, इट्स अथॉरिटी अ वेग एंड सब्जेक्टिव प्रोविजन दैट शुड हैव नो प्लेस इन कंटेम्प्ट लॉ। कहा जा रहा है कि अस्पष्ट और ऐसे प्रावधान जिसका कि अपने अपने तरीके से व्याख्या दी जा सकती हो, उसका कोई जगह नहीं होना चाहिए किसके, अवमानना के कानून में। ठीक है, इसमें देखें, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट द ECI अपीयर्स टू बी प्रिपेयरिंग द ग्राउंड टू यूज इट्स पावर टू कंट्रोल फ्री स्पीच। तो ये चिंता की बात है कि भारत का जो चुनाव आयोग है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ऐसे आधार को तैयार कर रही है जिससे कि यूज इट्स पावर टू कंट्रोल फ्री स्पीच, जिससे कि वो, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोलने या व्यक्ति के की जो आज़ादी है उसको कहीं ना कहीं क्या करे, अंकुश लगाए। इट्स लेटर रेफर्स टू द अदर पार्टीज। कहा जा रहा है कि इनका जो पत्र है वो किस पार्टी से संबंधित है, दूसरे दलों से संबंधित है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू क्वेश्चन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इनका जो पत्र है वो दूसरे दलों से संबंधित है जो कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि उनको बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और जिसके तहत टू क्वेश्चन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, जिससे कि वो क्या कर सकें, जो चुनाव करवाए गए हैं उसको क्या कर सकें, प्रश्नगत कर सकें। ओके, सो देखें, देर इज नो रीज़न दैट पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द ECI विल बी सेकेंड और इट्स सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द इलेक्शन प्रोसेस अंडरमाइंड बाय क्रिटिसिज्म। तो कहा जा रहा है कि कोई कारण नहीं दिखता है जिसमें कि ये विश्वास किया जाए कि लोगों का जो विश्वास है भारत के चुनाव आयोग के ऊपर विल बी सेकेंड, वो अपनी जगह से हिले, और इट्स सुपरिटेंडेंस कि इनका जो पर्यवेक्षण, ठीक है, निर्देश एवं नियंत्रण है किसके ऊपर, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, चुनाव प्रक्रिया के ऊपर, अंडरमाइंड बाय द क्रिटिसिज्म। और ये जो पर्यवेक्षण करने का अधिकार है, निर्देश देने का अधिकार है या नियंत्रण करने का अधिकार है पूरे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी भी ढंग से, ठीक है, आलोचना के कारण से क्या हो, कम हो। हाउएवर टेंडरस और कैल्यूमिनस इट में भी, चाहे तो ये जितना ही पक्षपाती हो या बदनामी लाने वाला हो, इट इज़ ट्रू दैट द पार्टीज हैव मेड अनफेयर एक्विजिशन। ये बिल्कुल सही है कि दलों ने, ठीक है, जो अनफेयर यानी कि जो फेयर ना हो, जो उचित ना हो, अनुचित क्या लगाया, आरोप लगाया है अबाउट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, चुनाव करवाए जाने का, और मोर एक्यूरेटली अबाउट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, और यदि और सच्चे ढंग से कहा जाए, सही तरीके से कहा जाए, तो इलेक्शन के परिणामों के ऊपर, दैट वेंट अगेंस्ट देम, जो कि उनके खिलाफ गया। द मार्क डिफरेंस बिटवीन द जुडिशरी एंड द इलेक्शन कमीशन, जो बिल्कुल स्पष्ट अंतर है, ठीक है, न्यायपालिका और चुनाव आयोग के बीच में, जजेस हैव ए ट्रेडिशन ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग पब्लिकली टू क्रिटिसिज्म। तो कहा जा रहा है कि जो न्यायाधीश हैं उनकी परंपरा रही है कि वो, ठीक है, लोगों के बीच में इस चीज़ का जवाब नहीं दें, किस चीज़ का जवाब नहीं दें जो आलोचना की जाती है, कि कहा यह जा रहा है कि न्यायाधीशों के मामले में ये परंपरा रही है कि लोगों के बीच में जो आलोचना की जाती है उसका जवाब न दिया जाए। एज लॉर्ड डेनिंग ऑब्जर्व इन 1968, जैसा कि लॉर्ड डेनिंग ने 1968 में कहा, दे कैन नॉट एंटर इनटू द पब्लिक कंट्रोवर्सी, कि वो भाई लोक विवाद में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। द ECI ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्ड रॉबस्टली। तो कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत का चुनाव आयोग जो है, दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने बहुत ही मजबूती से जवाब दिया, एज एंड व्हेन एलिगेशन अबाउट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन सरफेस, जब भी और जहां भी आरोप उनके चुनाव करवाए जाने के ऊपर लगा, उभर के आया। द
the Aam Aadmi Party has made a sort of mission to run down the electronic voting system. Aam Aadmi Party ki baat kahi jaye to unhone ek aise अभियान के तौर पे लिया था कि भाई कि कम करके दिखाया जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मत प्रणाली को. नॉट स्टॉपिंग विद द स्केप्टिज्म ऑफ द क्लेम दैट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर इनवल्नरेबल. ठीक है, नॉट स्टॉपिंग विद द स्केप्टिज्म ऑफ द क्लेम, यानी कि जो कहा शंकावाद तक ना रुकते हुए और ये दावा करते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर इनवल्नरेबल, कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो क्या है, मजबूत है, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता. इट हैज़ एलेजेस ECI members of politically aligned to the ruling party at the center. और इसने आरोप लगाया कि जो भारत का चुनाव आयोग है वो राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में. However, फिर भी it cannot be forgotten that the reforms such as the introduction of verifiable paper trail came about only because somebody voiced criticism and suspicion. लेकिन फिर भी इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि जो सुधार जैसे कि वेरिफेबल पेपर ट्रेल प्रणाली को लाया जाना, ठीक है, केम अबाउट ओनली बिकॉज समबडी वॉइस क्रिटिसिज्म एंड सस्पिशन. वो सिर्फ इसलिए हुआ कि किसी ने क्या किया भाई, आलोचना या शंका को आवाज़ दी. थॉटलिंग क्रिटिसिज्म इन द नेम ऑफ पनिशिंग कंटेम्प्ट विल ओनली कट ऑफ फीडबैक. तो कहा जा रहा है कि गला घोटा जाना किस चीज़ का, आलोचना का, इन द नेम ऑफ पनिशिंग कंटेम्प्ट, किस नाम पे कि भाई अपमानना को क्या दी जा रही है, सजा दी जा रही है. विल ओनली कट ऑफ फीडबैक, वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ फीडबैक या लोगों से जो कुछ भी जानकारी मिल रही है उस चीज़ को कहीं ना कहीं काट देगा, ख़त्म करेगा. थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे.